हेलो दोस्तों, आज अगेन एक नए शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। नए शेयर तो नहीं है, काफी टाइम बाद इस शेयर को यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत वायर रोप्स एंड लिमिटेड। भारत वायर रोप्स एंड लिमिटेड की बात करें तो कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं वो नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इसका जो ऑल टाइम हाई है ना, और 52 वीक हाई भी कह सकते हो, 402 रुपए के आसपास है, और शेयर अभी 278 पे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए एग्जैक्टली क्या हो सकता है, क्योंकि काफी लोग इस लेवल पर जरूर अटके होंगे, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये वीडियो आपको एक क्लियर गाइडेंस देती हुई नजर आएगी, आपको बताती हुई नजर आएगी कि एग्जैक्टली व्हाट यू कैन डू। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कंपनी के बारे में। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करनी है, चीजों को सीखने पे फोकस करना। सीखने के लिए क्या है, वीडियोस जाके वीडियोस देखिए, बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता हुआ नजर आएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएगी जो स्टॉक मार्केट के लिए एसेंशियल है इन अ प्रैक्टिकल वे। स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जिससे रिलेटेड हम बातें नहीं करते खुल के, तो उसके लिए हमारा ये कोर्स है। आप बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, कौन सा शेयर लेना है, कौन सा शेयर बेचना है, क्यों शेयर भागते हैं, क्यों गिरते हैं, वो सारा आइडिया आपको एक लगता हुआ नजर आएगा। 25,000 रुपये का कोर्स है इस महीने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर्स डे था तो यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 22,500 का यहाँ पर फीस है। और 1 जनवरी 2025 से कम शेयर, ये पूरे कोर्स की जो कीमत है वो लगभग 50,000 रुपये होती हुई नजर आएगी। 8860540501, 8169261037, दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए। बेसिक्स टू एडवांस कोर्स, साथ में काम जो आपको कराना है वो यहाँ पर आप कराइए, है ना, जो आपको करना है वो यहाँ पर करिए, आपको अच्छा लगेगा ये चीजें करके। आप सीरियस है तो आपको सीरियस वे में यहाँ पर काम करना होगा। भारत वायर रोप्स के रिलेटेड बातें करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए मार्केट कैप 906 करोड़ रुपए का, मतलब क्या है स्मॉल कैप। मैं हमेशा कहता हूँ जब स्मॉल कैप की बात हो ना, तो दो चीज याद रखिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, क्योंकि स्मॉल कैप से रिलेटेड बातें करते हैं। और दूसरा, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब शेयर भागता है बड़ा अच्छा नजर आता है कि शेयर भाग रहा है, बट जब गिरता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर गिरता हुआ नजर भी आता है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इसलिए सही टाइम पे लेना, सही टाइम पे बेचना बहुत जरूरी है। और इस शेयर को हम लगभग 90 रुपए से, और 90 भी नहीं, मैं कहूंगा 60 रुपए से यहाँ पर ट्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं, 60 रुपए से आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी यहाँ पर रैली हुई भी है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर 60 रुपए पे ये शेयर बताया है कि नहीं, हमने यहाँ पर ये शेयर से रिलेटेड बातें करी है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपली कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियोस देखनी है, आपको यहाँ पर पता चलेगा। ये देखिए 160 रुपये 5 महीने पहले बताई थी, 2 साल पहले बताई थी, जब इसका प्राइस लगभग 65 रुपए के आसपास था, 60 रुपए से 388 की ओर है ना। तो इस तरीके से हम ये बार बार बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत वायर करता क्या है, ये देखिए, ये कंपनी है, ठीक है, जो यहाँ पर स्टील वायर, वायर रोप, स्ट्रैंड एंड स्लिंग से रिलेटेड काम करती है, ठीक है। और जो लिफ्ट होती है, ठीक है, उस लिफ्ट की जो वायर होती है ना, वो भी ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। आप जाइए इनकी वेबसाइट पे, आपको पता चलेगी, ये देखिए ये पुल में जो ये वायर्स यूज होती हुई नजर आती है, ठीक है ना, ये सारी की सारी वायर्स कौन कौन बनाती है, यही कंपनी बनाती हुई नजर आती है। इनके प्रोडक्ट पे आप चले जाइए, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ लीजिए, आपको पूरा का पूरा एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है, ठीक है। वायर्स रोप से रिलेटेड का काम है। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियल से रिलेटेड बातें करेंगे, तो यहाँ देखिए कंपनी के जो स्टॉक है ना, 21 का है, ठीक है, स्टॉक पी की बात करें, और यहाँ पर इंडस्ट्री पी 26 का है, तो अभी भी महंगा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सस्ता ही है, बट स्टिल नीचे से ऊपर, जैसे कि मैंने दिखाया था कि 60 रुपए से, और बल्कि 60 रुपए के 20 रुपए से ये शेयर यहाँ पर 400 रुपए की तरफ यहाँ पर लो से हाई बनाता हुआ नजर आया, तो ये एक बहुत बड़ी रैली हो गई है। उसके बाद क्या होता है, लगातार आप भागते नहीं, रुकते भी हो, तो वो रुकावट शायद होती हुई नजर आ सकती है। आरओसी आरओई की बात करें तो देखिए अच्छी खासी है, और आरओसी आरओई क्या है, आरओसी आरओई नथिंग, जस्ट शेयर बढ़ता है तो ये भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो मेरे को जब मैं यहाँ पर काम करता हूँ, जब मैं सिखाता हूँ, तो मैं हमेशा बताता हूँ पी पे ध्यान देना है, आरओसी आरओई पे ध्यान देना है, बट इन्हें ज्यादा अपने दिमाग पर नहीं चढ़ाना है। अपने दिमाग पे चढ़ाओगे तो याद रखिएगा आप पैसे नहीं बना पाओगे। स्टॉक मार्केट
जो काम करती है ना इन अ डिफरेंट वे काम करती है, तो हमेशा आपको उसके लिए कोशिश रहना। 10 का फेस वैल्यू है, तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर स्प्लिट बोनस वगैरह भी देखने को मिल सकता है। कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है, 185% के आसपास का डेट है, तो इस चीज को भी हमें क्या करना है समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपनी पीछे रह जाती है, तो बट कोई नहीं। यहाँ पर देखिए कंपनी कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही थी, बट अभी पिछले एक दो क्वार्टर से इनका जो परफॉर्मेंस है ना लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। 162, 158, फिर 7 हो गया, फिर 47 हो गया, फिर 133 हो गया, तो लगातार सेल्स क्या हो रही है, गिर रही है, ठीक है। जब कंपनी की सेल्स गिर रही है साथ में कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है तो नेट प्रॉफिट गिर रहा है, ठीक है ना, मार्जिन कम होते हुए नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें कंपनी के थोड़ा सा बता रही है कि शायद एक हाई बना चुके, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हमेशा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है, जो मैं हमेशा आपसे इससे रिलेटेड बातें करता हूँ। ईयरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं, धीरे धीरे ईयरली परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़ रही है, और क्या है ये जो नंबर है ना ये चेंज भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कंपनी अभी ऐसा परफॉर्म कर रही है, एक साथ ही ऑर्डर आएंगे, एक साथ ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 2-3 क्वार्टर कंपनी के अच्छे नहीं जाते, एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो ही अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ पर उन शेयरों को उस टाइम पे बाई किया जाए और फिर वहां से पैसा बनाते हुए नजर आए। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं अलग से यहाँ पर स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, वो ही मेरे लिए अच्छी कारगर साबित होती है। वो मुझे बताती है यहाँ पर मुझे एग्जिट करना है, यहाँ पर मुझे निकलना है, जो कि मैं बात भी करूंगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी पहुंची है। रिजर्व्स की बात करें 210 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स, बोरिंग कंपनी की जैसे कि मैंने बताया बढ़ती हुई नजर आ रही है, बट स्टिल आप देखेंगे तो पिछले एक दो साल में बोरिंग थोड़ी सी कम करी है। 13 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में, 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। कैश की बात करें तो लगभग 8 करोड़ के आसपास का कैश, पॉजिटिव कैश फ्लोज यहाँ पर नजर आते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है ना, ठीक है, पहले तो यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 39% तक चली गई थी। अभी भी आप देखोगे तो प्रमोटर्स लगातार बाई ही कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस पहले 36 से 39 किया, फिर 39 से आप देखोगे तो यहाँ पर 40.77, अभी 40.98, लगभग 41% के आसपास होल्डिंग रख ली है। एफआईएस की होल्डिंग 3%, डीआईएस की होल्डिंग 2.61%, है ना, पब्लिक की होल्डिंग लगभग 53%। 53 में भी देखोगे तो ये ऑटम इन्वेस्टमेंट है लगभग 8% के आसपास, है ना। यहाँ पर देखिए एचयूएफ है, सुरेश भाटिया एचयूएफ, तो 1.24% की होल्डिंग यहाँ रखते हैं, थोड़ा थोड़ा निकाला भी है इन्होंने टॉप से, बट स्टिल बात करें तो अभी भी इनके पास होल्डिंग है। ज्यादा लोगों को अभी भी शेयर नहीं पता, हाँ जब ये शेयर अनजाना था तब हमने वीडियो बनाया था तब कम लोग जानते थे, अभी ज्यादा लोग जानने लग गए, तो बट स्टिल बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 28,000 ही इन्वेस्टर है लगभग जो यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए मई में भी यहाँ पर प्रमोटर्स ने 275 इसी प्राइस के आसपास जहाँ पर ये अभी चल रहा है यहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आई है। मई में भी हुई है, मार्च में भी हुई है, यहाँ पर थोड़ा और चलोगे तो आपको पता चलेगा सितंबर से उन्होंने थोड़ा सा बेचा था, फिर उसके बाद दोबारा खरीदना इन्होंने चालू कर दिया क्योंकि शेयर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आया। तो बाइंग सेलिंग यहाँ पर चलती रहती है, उस चीज को आपको देखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपनी से रिलेटेड और चार्ट से रिलेटेड, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को स्टडी करना है, चीजों को सीखने पर फोकस करना है, और उसके लिए क्या है वीडियोस है ना, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और यहाँ पर कोर्स है कोर्स कर लीजिए, काम करना है काम कर लीजिए, नंबरों को क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। भारत बायोरोप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए भारत बायोरोप्स अगर हम यहाँ पर चार्ट से लेके तो लगभग लगभग ऊपर से, ठीक है ना, ऊपर से अगर हम यहाँ पर देखे देखा जाए तो ये नीचे लगभग लगभग 42% तक 43% तक आया था, बट अभी भी देखे तो लगभग 30% तक की गिरावट हो गई है। तो स्मॉल कैप में जो इस तरह की गिरावट होती है ना वही होती है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है उससे रिलेटेड लेवर्स दूंगा, बट याद रखिएगा बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं। इस शेयर को अगर आप टच करने की सोच रहे हैं और जो ऊपर फंसे हुए, ठीक है, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर एक बेस बना रहा है, ठीक है, लगभग 3-6 महीने से 9 महीने यह शेयर अभी और परेशान कर सकता है, इसी रेंज में घूम सकता है, बट कुछ चीजें यहाँ पर इंडिकेट कर रही है जो मैं यहाँ पर बात नहीं करता, अपने कोर्स में बात करता हूँ, ठीक है। तो बस उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर शायद दोबारा नीचे आएगा या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है, और जैसे ही कंसोलिडेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा ये शेयर जिस दिन 300 रुपए से ऊपर जाएगा तो सबसे पहले इसके जो टारगेट होंगे लगभग 330 रुपए के आसपास के होंगे, और 320-330 का ये लेवल जैसे ही निकालेगा ये यहाँ पर 400 रुपए
जो इसका आई था वो भी निकालेगा, और फिर 400 ही नहीं, फिर ये 500 भी जाएगा, 600 भी जाएगा, 700 भी जाएगा और 800 भी जाएगा। ठीक है, काफी सारी चीजें इस पर बीच दौरान डिपेंड करेगी। ठीक है, इन शेयरों को नजर में रखना है, अभी पोजीशन बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, बट स्टिल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा। मेरे बेसिस पे जो था वो मैंने बताया, और ये सब चीज हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, ये देखिए क्या बन रहा था उसके बेस पे यहाँ पर चीजें निकल जाना था। ठीक है चलो कोई नहीं, वो अलग बात है, जब कभी कोर्स में आओगे ना तो आपको बताऊंगा कि यहीं पर ही क्यों निकलना था, आपको यहाँ पर बताऊंगा अगर यहाँ नहीं निकल पाए तो यहाँ पर क्यों निकलना था। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी टेक्निकल वे में। तो ये कहानी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक की। अब मैं थोड़ी सी कहानी थोड़ा मार्केट के ऊपर आपको बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, देखिए निफ्टी 50 जो इंडेक्स है ना, यहाँ पर जो इसका लेवल था ना, है ना, वो यहाँ पर तोड़ चुका है, जो इस हाई को ये सस्टेन नहीं कर पाया, चीजें नीचे आ रही है, तो अभी थोड़ा सा क्या है, पैनिक है। ठीक है, पैनिक मोड में है। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट की तरफ ले जाता हूँ। जब आप यहाँ पर अमेरिकन मार्केट में जाओगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो इनका इंडेक्स है वो यहाँ पर भी, वो भी सस्टेन नहीं कर पाया, वो भी यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अच्छी खासी गिरावट 1-1% की, 400-400 पॉइंट यहाँ पर लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, और पहला सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है। तो अभी क्या है, अभी गिरावट का माहौल है। सेम एज इट इज में मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप में भी यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर गिरावट होती ही नजर आई है, और सेम स्मॉल कैप की बात करूँ तो निफ्टी स्मॉल कैप की बात करूँ तो वो अभी क्या कर रहा है, अभी निफ्टी स्मॉल कैप आपका सस्टेन कर रहा है सपोर्ट के पास में। ठीक है, गिरावट हो गई है बट मुझे लगता है सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मार्केट में दोबारा गिरावट होगी। ठीक है, एक सपोर्ट 19,061 के आसपास आता है, बट मुझे लगता है यहाँ पर 17,816 या फिर इस लाइन तक ये गिर सकता है, उस टाइम अपॉर्चुनिटी बनेगी। हमने क्या किया है, जितने भी हमारे क्लाइंट थे, मैं था, ठीक है, हम यहाँ पर 50 से 60% और 70% कैश को रेस कर चुके हैं। आराम से अभी बैठेंगे, अपनी स्टडी करेंगे, बेस्ट स्टॉक जो हमारे हैं उनमें यहाँ पर दोबारा पोजीशन बनाएंगे, है ना, और वहां पर से हम अपना अच्छा खासा, जैसे वो मूव करना शुरू करेगा, मार्केट मूव करना शुरू करेगा, यहाँ पर पैसे बनेगा। तो इसलिए साइट हम स्मॉल कैप में काम करते हैं, हमें स्मॉल कैप ने इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पर भी ये सस्टेन नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, किसी के भरोसे मत आओ। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म होता है, बिल्कुल होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपने कमाया और कमा के यहाँ पर एक ही बारी में दे जाओगे तो वो किस बात का लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, आप अगर अपने रिटर्न को सेव नहीं कर पाए तो वो किस बात का लॉन्ग टर्म। तो याद रखिए, पैसा पहले बन जाए, बन जाने के बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, अच्छी कंपनी को अलग से रिसर्च करिए, तब पैसा बनेगा। अभी फिलहाल के लिए दूरी बना के रखिए, अपने स्टाइल से काम करिए, अच्छे तरीके से काम करिए, सीख के काम करिए। इसलिए अभी अपॉर्चुनिटी है, 22,500 में ये कोर्स इस महीने के लिए, है ना, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये कोर्स 25,000 रुपये, और एक एक जनवरी से लेके इस कोर्स की कीमत 50,000 रुपये होने वाली है। तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सीखे, जितना सीखेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।